Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to learn about word forms. That is how you can convert noun into a verb, how you can convert noun into adjective, verb ko adjective kaise kar sakte hain, noun ko adverb kaise kar sakte hain. This thing we'll learn in this video. Let's begin. First is how to change a noun to an adjective. सबसे पहले ये आपके लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि नाउन होता क्या है. नाउन होता है आपका नेमिंग वर्ड. कोई भी ऐसी चीज़ जिसका नेम है वो क्या होता है, नाउन होता है. और एडजेक्टिव क्या होता है, जो आपको कुछ चीज़ डिस्क्राइब करता है, अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. इट कैन बी क्वालिटी, इट कैन बी एनीथिंग. सो दिस इज एडजेक्टिव. नाउ हाउ टू चेंज नाउन टू एन एडजेक्टिव, इसको कैसे चेंज करना है. मैनी नाउन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी ईजीली कन्वर्टेड इन टू एडजेक्टिव्स विद एडिशन ऑफ सफिक्स. सफिक्स को ऐड करके आप एडजेक्टिव बना सकते हैं. लाइक हीरो नाउन है और इसका एडजेक्टिव क्या होगा, हीरोइक. विंड इज अ नाउन, इसका एडजेक्टिव विंडी. लाइक वॉट अ विंडी डे. देन चाइल्ड बिकम्स चाइल्डिश, ब्यूटी बिकम्स ब्यूटिफुल. सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसमें सफिक्स ऐड करके नाउन को एडजेक्टिव बना सकते हैं. नाउ वी विल सी हाउ सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड. अगर आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसमें आपको बोला है कि आपको इसका एडजेक्टिव बनाना है, इट कैन बी नाउन, इट कैन बी प्रोनाउन, सॉरी इट कैन बी वर्ब, कुछ भी हो सकता है, तो आपको उसमें क्या करना होता है, ये देखिए आप कौन सा सफिक्स उसमें फिट बैठता है. फर्स्ट वन इज गिवन टू यू एबल और एबल. एबल या एबल सफिक्स है. अब वो लाइक कम्फर्टेबल, रीडेबल, इनक्रेडिबल या इनविजिबल. अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो वर्ड कम्फर्टेबल, रीड, कम्फर्ट, इनमें आपने क्या किया है, एबल ऐड किया है. ओके, देन नेक्स्ट इज अल और ईयल. लाइक कॉमिक बिकम्स कॉमिकल, नॉर्मल, म्यूजिकल, इंडस्ट्रियल, प्रेजिडेंशियल. नेक्स्ट इज फुल, लाइक ब्यूटिफुल, हार्मफुल, पीसफुल, वंडरफुल. द नेक्स्ट इज इक, दैट इज क्लास, बिकम्स क्लासिक, इकोनॉमिक, हेरोइक, रोमांटिक. देन इकल, एरोनॉटिकल, अल्फाबेटिकल, पॉलिटिकल. देन ब्रिटिश, चाइल्डिश, आयरिश, फुलिश. नेक्स्ट एव और एटिव, लाइक एक्टिव, एक्ट बिकम्स एक्टिव, ऑल्टरनेटिव, क्रिएट, क्रिएटिव, टॉक, टॉकेटिव. देन लेस, एंडलेस, मोशनलेस, प्राइसलेस, टाइमलेस. देन इवन ईयर्स, आयस और अस, लाइक स्पॉन्टेनियस, हाइडियस, एम्बिशियस, एंक्शियस, डेंजरस, famous. So these are some of the suffixes which you can add in the word and can make their adjective form. Now let us see the next one, that is how to change a verb into an verb to an adjective. Verb को आप adjective कैसे बना सकते हैं. इसमें भी आपको करना वही है, suffix add करने, like accept becomes acceptable, achieve achievable, act active, believe believable, choose chosen, add additional, adjust adjustable, admire admirable, advise advisable, impress impressive, amaze amazing. even ing भी आपका prefix suffix होता है जो आप adjective में add कर सकते हैं, like amazing, dancing, okay, dancing doll, like that. ing can also be added to form adjective. now we will see how to change a verb to a noun. अ नाउन को किस तरह से आप फॉर्म कर सकते हैं वर्ब की हेल्प से. मैनी वर्ब्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज कैन ईजिली बी कन्वर्टेड इन टू नाउन्स विद एडिशन ऑफ सफिक्सेज लाइक शन, एशन और सन. एग्जाम्पल विल सी कलेक्ट बिकम्स कलेक्शन, एग्जामिनिंग एग्जामिनेशन, सजेस्ट सजेशन, अप्लाई एप्लीकेशन, डिसाइड डिसीजन, recommend recommendation, describe description and present presentation. इसमें हमने क्या किया है, हमने अगेन सफिक्स ऐड किए हैं और उससे हमने क्या किया है, वर्ब से नाउन को फॉर्म किया है. नाउ नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू चेंज अ नाउन टू एन एडवर्ब. अब नाउन को एडवर्ब में कैसे बनाएंगे हम. एडवर्ब क्या होता है, वो वर्ड जो वर्ब के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन देता है, और ये मोस्टली ly ऐड होने पर बनता है. बट आपको ये देखना है कि ये ly जो है रूट वर्ड पर ऐड होता है. मीन्स ये जो इसमें जो आप सफिक्स ऐड करेंगे वो रूट वर्ड पे होगा. रूट वर्ड मीन्स मेन वर्ड जो होता है. आपको फर्स्ट एग्जांपल ही दिख रहा होगा, एक्शन.
तो हमने यहाँ पे एक्शन का एक्शनली नहीं किया है. एक्शन का रूट वर्ड क्या है? एक्ट. ये किससे बना है? एक्ट प्लस आई ओ एन. एक्ट क्या है? वर्ब है. तो आई ओ एन आपने एड किया है. यहाँ पर आई ओ एन क्या है? आपका सफिक्स है. तो आपका जो एल वाई होगा वो सफिक्स प्लस सफिक्स कभी नहीं होगा. तो ये क्या होगा? एक्ट प्लस एल वाई, दैट मीन्स एक्टिवली. ऐसे केयर, केयरफुली. क्लैरिटी, क्लैरिटी किससे बना है? क्लियर से बना है. तो ये क्या हो गया? क्लियरली. कंफर्ट, कंफर्टेबली. क्रिएशन, तो इसका मेन वर्ड क्या है? क्रिएट प्लस आई ओ एन. तो ये क्या हो गया? क्रिएटिवली. पावर, पावरफुली. डिलाइट, इट कैन बी डिलाइटफुली और डिलाइटली ऑल्सो. मैजिक, मैजिकली. तो ये हमेशा रूट वर्ड में ही आपको एलवा या कोई भी सफिक्स ऐड करना होता है. आप कभी भी सफिक्स अगर एडेड है तो उसमें और सफिक्स ऐड नहीं कर सकते, दैट विल बी रॉन्ग. सो सफिक्स है और आपको दूसरा सफिक्स ऐड करना है तो आप प्रीवियस सफिक्स को रिमूव करें और उसके बाद दूसरा सफिक्स ऐड करें. नाउ लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स एंड दे आर ऑल काइंड्स ऑफ फॉर्म लाइक वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. वो भी देखते हैं हम. फर्स्ट इज वर्ब क्रिएट. क्रिएट जो वर्ब है इससे नाउन बनता है क्रिएशन, जिसमें आई ओ एन सफिक्स है. क्रिएटिव, आई वी ई सफिक्स है. और क्रिएटिवली मीन्स आपका ई एल वाई सफिक्स है. नेक्स्ट ग्लोरीफाई, इससे क्या हो गया आपका? ग्लोरी, ग्लोरियस, ग्लोरियसली. ग्रो, ग्रोथ. ग्रोइंग, ग्रोइंगली. डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिवली. हेट, हेट्रेट. हेटफुल, हेटफुली. हील, हेल्थ. हेल्दी, हेल्दीली. डिफर, डिफरेंस. डिफरेंट, डिफरेंटली. क्लियर, क्लैरिटी. ये हमने देखा था इसके पहले वाले एग्जाम्पल में, क्लैरिटी. सो क्लियर, क्लैरिटी. क्लियर अगेन एंड क्लियरली. नाउ हियर यू कैन सी दिस टू वर्ड्स आर रिपीटेड. तो कई बार क्या होता है, सेंटेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है आप किस तरह से लिख रहे हैं. लाइक सपोज द सेंटेंस इज क्लियर इट, उसमें मीनिंग है आपका वर्ब, उसको क्लियर करो. क्लियर आंसर, द आंसर इज क्लियर. दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट आंसर, दैट मीन्स इट इज एडजेक्टिव ओवर हियर. देन क्लियरली. नेक्स्ट कलेक्ट, कलेक्शन. कलेक्टिव, कलेक्टिवली. ओके, एंड लास्ट यू कैन सी कम्फर्ट. अब इसमें वर्ब में भी कम्फर्ट है, नाउन में भी कम्फर्ट है, बट उनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है. अगर आप वर्ब में यूज़ करें तो यू कैन से दे कम्फर्ट मी, वो मुझे कम्फर्ट प्रोवाइड करते हैं, कम्फर्ट देते हैं, कम्फर्ट. एंड हियर आई हैव कम्फर्ट. और यू कैन से लाइक कम्फर्ट को अगर आप नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ कम्फर्ट देम. या आप कह सकते हैं कि दिस इज़ इन कम्फर्ट, वो कम्फर्ट में है. दैट मीन्स यू आर सेइंग अबाउट नाउन, आप नाउन के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज कम्फर्टेबल, दैट इज एडजेक्टिव, जिसमें एबल ऐड हो गया है. एडवर्ब कम्फर्टेबली, एल वाई ऐड हुआ है लास्ट में. सो आई होप टूडेज वीडियो इज क्लियर टू यू हाउ टू डू दिस वर्ड फॉर्म्स. ओके देन, इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी. टेक केयर, स्टे सेफ.